नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा। जो आज हम टॉपिक बात कर रहे हैं वो आपका जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर पर्सन अपना जिंदगी में पैसा कमाना चाहता है। यस, मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड में कहीं भी हो, जीवन गुजरने के लिए एक्सचेंज होता है या बार्टर होता है। और एक्सचेंज और बार्टर होता क्या है, जो आज जानेंगे हम। ये जरूरत क्यों है जीवन में, समझेंगे हम। तो दोस्तों, मैं कहता हूं जिंदगी में इकोनॉमी सिस्टम जो मॉडर्न एरा जीवन में वो लाइफ जब रेवोल्यूशन आई, तो अनेक कंट्रियों में तो टाइम में जब इंडिया है या बाहर में है, एक इकोनॉमी सिस्टम डेवलप हुई जिससे बिजनेस को, ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है। जिस इकोनॉमी सिस्टम में हम है, हम अनेक कंट्री में सात कंट्री से मिलके काम करते हैं। तो साउथ एशियन कंट्रीज जो है एक इकोनॉमी सिस्टम चलाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलाती है, जो बैंक्स कंट्रोल करती है इस एंटायर प्रोसेस को। अब बैंक्स को कंट्रोल करने का अधिकार जो है हमारा भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया है, और स्टेट जो स्टेट लेवल के बैंक्स हैं, गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, प्राइवेट के बैंक भी इस मॉनिटरिंग सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। तो इस कंट्रोल को मैं जरा सा डीपली एक्सप्लेन करूं। जो आप अपनी नौकरी या बिजनेस से जो पैसा बनाते हो एक्सचेंज सिस्टम से, मतलब आप एक प्रोडक्ट या सर्विस को किसी और की नीड को बेचते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दुकान चला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल शॉप। जब शॉप चलाते हो, मेरे को भूख लगा और मैं आया आपके होटल में खाना खाया। दो तरीका का होटल है, एक है जो बिल देने वाला होटल और एक है बिना बिल का होटल। अब बिना बिल का होटल जो है, छोटे उद्योगदार जो टैक्स की चोरी करते हैं और 20 लाख के नीचे में जो सालाना बिजनेस करते हैं, अभी तो बिजनेस मतलब करते हैं टोटल, तब तक जीएसटी की जरूरत नहीं होती है और टैक्स का स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो इंडिया में अनेक ऐसे पीपल हैं जो बिना जीएसटी का काम करते हैं, और हमेशा ये सिंगल ओनर बिजनेस होता है। ये उस बिजनेस में मैं जाके खाना खाया और मेरे को बिल नहीं मिला, लेकिन खाने के बदले में मैं खाना नहीं दे सकता, ना आप मेरी ब्रासलेट दे सकता हूँ, ना कड़ा दे सकता हूँ, ना शर्ट खोल के दे सकता। तो खाने के जगह एक प्राइस को फिक्स किया गया, वो फिक्स प्राइस को हम इधर नोट, क्रेडिट कार्ड या चेक, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट से हम देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि एक्सचेंज। एक ने मेरे को खाना खिलाया, उसको मैंने वो सर्टेन वैल्यू को पे कर दिया। अब ये खाना जब मैं 5-स्टार होटल में जाता हूँ, उतना ही मेरे को भूख मिटाती है, लेकिन वैल्यू बढ़ जाती है, जिसको मैं कहता हूँ इन्फ्लेशन। जो एक शहर से अनेक शहर में जाने के समय वैल्यू, तो करेंसी का वैल्यू ऊपर और नीचे हो जाता है। बहुत पीपल बोलते हैं पैसा इंपॉर्टेंट है। नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जिंदगी में पैसा कमाना जरूरत है, जो कि आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अपनी जरूरत को, नीड्स को फुलफिल करने के लिए जितना पैसा कमाना चाहिए, उतना पैसा जरूर आपको कमाने की हक और अधिकार बनता है। जीवन में जब भी भारत देश में हो, कहीं भी आप पैदा हो जाते हो, इतना तीन ऐसे चीजों को लिख के लिए क्या आते हो, अपनी खाना, कपड़ा और मकान, ये तीन आप लिख के लेके आते हो। लेकिन आपको ये तीन से कुछ नहीं होगा, आपकी नॉलेज को बढ़ाना है। देखो, जो हर बच्चा जितना भी देश में कहां भी बच्चा पैदा होता है, वर्ल्ड में कहीं भी पैदा होता है, उसकी नॉलेज हमेशा उतना ही होता है, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी उतना ही होता है जितना एक साधारण व्यक्ति का होता है, एक नॉर्मल इंसान का होता है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, वो प्रैक्टिस करते 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 अपनी ब्रेन की साइज को बढ़ाता है, वो ऑलमोस्ट 95% को यूटिलाइज करता है, 98% को आपकी ब्रेन को, स्पेस को यूटिलाइज करता है। यदि दोस्तों अभी तक आप कभी भी अपने जीवन में पैसा के लिए भागे हो, ये मुश्किल आपको हुआ क्योंकि आपको कोई रास्ता नहीं मिला सही, या आपको कोई गाइड नहीं मिला, कोई कोच नहीं किया, और आपको हमेशा इस सोसाइटी पैसा के पीछे में दौड़ने को मजबूर कर दी, क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल है करके आपको आपका डैड ने कभी नहीं कमा पाया, क्योंकि
वो आपका डैड भी, जो इंडिया में पीपल जो है सर्टिफाइड है, क्वालिफाइड नहीं. जितना भी क्वालिफाइड पीपल है उनको कभी पैसा कभी भी हंट नहीं करती. तो दोस्तों क्या आप फिर से आप पढ़ोगे, फिर से वही काम सारे करोगे? नहीं. आपको इस बार जो है कॉलेज को जाना नहीं पड़ेगा. यस, मोहन चंद्रा जो आपके साथ आपका जिंदगी में कुछ चार चांद लगाने के लिए, एक श्री कृष्ण जैसी मार्ग दिखाने के लिए जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, मैं आपको बढ़ाऊंगा. उसी लिए ये वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि अनेक पीपल को पता चले कि जो मैं काम करवाता हूं करता हूं, मैं चाहता हूं देश में वो नॉलेज बढ़े, उसके चलते हम यूएस में जाके काम करने की जरूरत ना पड़े, दुबई में जाके काम करने की जरूरत ना पड़े, कतार में जाके काम करने की जरूरत ना पड़े, मलेशिया में जाके काम करने की जरूरत ना पड़े. यहां तक मैं देखा हूं इंडिया से श्रीलंका जाके काम करते हैं, इंडिया से नाइजीरिया जाके काम करते हैं, अफ्रीका जाके काम करते हैं. वो अफ्रीकन कंट्रीज में हमसे बुरा जिंदगी है, वो सारे आके दिल्ली में, यूएस में, दिल्ली में, आंध्रा यूनिवर्सिटी, अनेक ऐसे यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ की नॉलेज उनके लिए ज्यादा है और हम जाके वहां बिजनेस करने जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं. ये मजाक से बढ़कर और कुछ नहीं है. मैं यूएस तक मना करता हूँ. मैं बोलता हूँ कि वो बगल घर की फेरारी को फोटो खींच के आपको कोई हाल पे वो फेरारी खरीदने का जरूरत ही नहीं. बगल घर का फेरारी को हम खींचते हैं अपने दोस्त, मेरे दोस्त है जो अनेक पीपल यूएस में बड़े बड़े पड़े हुए हैं, अनेक पीपल बाहर में रहते हैं, बगल घर का फेरारी खुद का फोटो खींच के अपनी फेसबुक की प्रोफाइल में डालते हैं, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं मेरे दोस्तों. और आपको जाने का, देखो आपके पास इतने पैसा होना चाहिए इस देश को छोड़ के वहां जाके, यूएस में जाके फ्लोरिडा का बीच हो या न्यूयॉर्क का सिटी हो, कुछ भी हो, जाके आप अपने जिंदगी में लग्जरी जाके वहां टाइम को स्पेंड करके आपको रिटर्न आने का उतना पैसा होना चाहिए. देखो पैसा एक ऐसी चीज है जो हर बंदे की जरूरत है, मेरी भी जरूरत है, लेकिन मेरे को, मैं नॉलेज से पैसा कमाना सीखता हूँ, सीखा हूँ, और नॉलेज से ही मैं बचपन से पैसा कमाता हूँ. क्योंकि मेरी पॉकेट में जो 100 रुपया है वो नया नहीं बनेगा. आपको मैं बताता हूँ, ऐसा कोई नोट नहीं है जो सेकंड हैंड नहीं है, उतना ही वैल्यू है. मेरे पॉकेट में 10 रुपया जो 500 साल का पुराना हो तो आपके पास में भी जाएगा, वो 10 ही रुपया कहलाएगा. सिर्फ उसकी एक्सचेंज की वैल्यू खत्म हो जाती है, एक्सचेंज छोटी पड़ जाती है, लेकिन वो 10 को 10 ही बोलोगे. और आपको इवन आपकी गर्लफ्रेंड सेकंड हैंड हो सकती है, आपकी बीवी सेकंड हैंड हो सकती है, लेकिन नोट सेकंड हैंड क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में, जिसको आपको खुद को आंसर करना पड़ेगा. इतना प्यार आपको पैसा का ऊपर है, तो मैं बोलता हूं मेरे दोस्तों, पैसा के ऊपर प्यार से ज्यादा आपको नॉलेज के ऊपर प्यार होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज जो है पैसा को पानी के जैसी बरसा देगा. तो आपको नॉलेज के ऊपर गर्व होना चाहिए, आपकी कंटिन्यूस एजुकेशन के ऊपर काम करना है. तो बिजनेस, अनेक पीपल बोलते हैं कि बिजनेस करना है, जॉब करना है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को सुधारना है, उसके लिए नयापन करना है. कुछ नयापन नहीं करना, आपको समझना है कि बिजनेस में मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करना है. तो उसके लिए मैं बिजनेस को कैसा सीखूंगा, बिजनेस के लिए कैसा करूंगा, ये सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये मोहन चंद्रा का कंटिन्यूस वीडियोस को देखना पड़ेगा. क्योंकि मैं कभी भी कंटेंट लेके काम नहीं करता, मेरे को जो मन में आता है मैं आपसे बात करता हूँ. क्योंकि आपकी जिंदगी में सुधारेगा कौन? कोई पर्सन जो पैसा कमाया वो आपको बताएगा नहीं कि कैसा कमाया, क्योंकि उसको भी नहीं पता पैसा कैसा बनता है. जो पर्सन 2-3 पीपल को समझ में आ गया पैसा कैसा बनता है, वो है रिलायंस, जो समझ सकती है. सुंदर पिचाई जो समझ सकता है, जो गूगल का सीईओ है. देखो आज ही है, आपको मैं बता दूं, यूट्यूब का प्रीमियम, एक नया यूट्यूब में प्रीमियम वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि यूट्यूब कचड़ा हो रहा है, तो जिसमें वीडियो के अनेक, तो यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्राइबर को प्रीमियम वीडियोस दिखाने के लिए, क्योंकि प्रीमियम जो बोलने से एक लग्जरी क्लास होगा, 129 रुपीज पर मंथ का 3 महीने का फ्री ट्रायल दिया जा रहा है, जिसमें आपको क्वालिटी वीडियोस को दिखाने की चैलेंजेस की बात कर रहे हैं. क्योंकि बहुत ऐसे यूट्यूबर्स हो गए हैं मेरे दोस्तों, हर बंदा यूट्यूबर बनना चाहता है. यहाँ यूट्यूबर की बात नहीं है, यहाँ व्लॉगर की बात नहीं है. उनके पास कंटेंट नहीं है, और कंटेंट, फालतू कंटेंट को
लोड करते हैं। देखो मेरे दोस्तों, आपको यूट्यूबर बनना चाहता हूँ मैं, 200 ऐसे पीपल को मैं रेडी कर सकता हूँ, रेडी भी करूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसको मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस से हम एंट्री करेंगे। मैं आपको यूट्यूबर बनाऊँ, उसके लिए भी मैं शायद 10-15 दिन का क्लासेस कंटिन्यू करूँ, क्योंकि एट प्रेजेंट जो मेरी क्लासेस चल रही है वो है एंटरप्रेनर बनाना। एंटरप्रेनर मतलब, एंटरप्रेनर का मतलब क्या है, जिसका पॉकेट में इन्वेस्टमेंट जीरो है, पॉकेट में जीरो पैसा है। एक प्रोग्राम है हमारा अटेंड करेगा जो 7 दिन का होगा, जिसमें मैं 25,000 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ, लिमिटेड पीपल को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, सारे पीपल। आप सोचोगे कि मेरे पास 25,000 है, मेरे पास आके सिगरेट पीना, गुटखा पीना, दो झापड़ मारूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी हो जाए मैं जो नहीं करता वो आपको करने नहीं दूंगा। यस, मैं दारू पीता था, मैं आज नहीं पीता तो आप नहीं पी सकते। मैं सिगरेट पीता था, दिन में 70 सिगरेट पीता था, जो मैं 2017 में मेरी बेटी का एक रिक्वेस्ट है, जो पापा मेरे लिए सिगरेट छोड़ दो, 70 सिगरेट छोड़ दिया 2018 जनवरी 17 तारीख को। उसके लिए मैं एक बार कार भी खरीदा, ऑडी, जो 3 दिन के मुहूर्त में मांगी थी। तो मेरे बच्चे लोगों के लिए बहुत प्यार है मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए मेरे को प्यार है, मेरी दोनों बेटियों के लिए प्यार है, माँ के लिए प्यार है, बहन के लिए प्यार है, भाई के लिए प्यार, मेरे सारे वो रिलेटिव के लिए प्यार है, मेरे सारे वो दोस्तों को प्यार है जो मेरे को सिर्फ प्यार के लिए ढूंढते हैं। तो आप समझ सकते हो कि मैं ऐसा शख्स हूँ आपके सामने में, जो मैं आपको हमेशा प्यार देता हूँ, आपका जिंदगी के लिए जीने की कोशिश करता हूँ, आपको बड़ा होने में मैं खुशी मेरे को आती है। उसके लिए मैं अनेक पीपलों को, मेरे पुराना दोस्तों को मैं फोन करता हूँ, रिलेटिव्स को फोन करता हूँ, दोस्त को फोन करता हूँ, मेरी कंपनी को एक्स मैनेजर्स को फोन करता हूँ, मेरे एग्जीक्यूटिव्स को फोन करता हूँ, मेरे रीजनल मैनेजर्स को फोन करता हूँ, अनेक ऐसे पीपल को फोन करता हूँ। मैं बोलता हूँ, नौकरी छोड़ो मेरे भाई, आओ मेरे साथ जिंदगी जियो, एक बार देखो जिंदगी होता क्या, कितना प्यारा वो जिंदगी है जो जिंदगी पैसा का पीछे में भाग के छोड़ के नॉलेज से पैसा कमाना सीख जाते हो। नॉलेज, वो नॉलेज जो है, जहां भी आप खड़े रहोगे आपको हाथ बांध के ऐसा रहने की जरूरत नहीं है, आप मेरे जैसी ओपनली रह सकते हो। क्यों ना वो नरेंद्र मोदी भी हो, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं उनके पास भी मेरे को खड़े होके, कुछ पीपलों को मेरा मन करता है उनका पैर छूने की, मैं छूता भी हूं। मोहनचंद्रा इज्जत को देता है, इज्जतदार है और इज्जत को कमाता है। मोहनचंद्रा कभी भी वो इज्जत के लिए एक्टिंग नहीं करता है। मैं एक्टिंग करके जीना कभी भी मैंने नहीं सीखा, एक्टिंग करना मेरे को आता नहीं है, तो मैं लाइव वीडियोस में ज्यादा बात करता हूँ या कंटिन्यूस वीडियोस में बात करता हूँ। कोई कोई चीजें हैं जहां मेरे को कटिंग वीडियोस मेरे को करना पड़ा, तो एटेंड ऑफ द जब टीवी चैनलों में मैं बात करता हूँ, कुछ चैनलों में मेरे को एडिटिंग वीडियोस को ऊपर काम करना पड़ा, जहां मैं इरिटेट हो जाता हूँ और मैं टॉपिक को भूल जाता हूँ जो क्वेश्चंस का आंसर देना है, क्योंकि मेरे को टुकड़ों में बात करने की आदत नहीं है। जो भी मैं बात करता हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर कर लो, आप मेरी डोमेन में 1000 क्वेश्चन करोगे तो 5000 का आंसर, क्वेरा से ज्यादा आंसर मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डोमेन मेरी होनी चाहिए। कोई बंदा बोलेगा प्रेशर कुकर कैसा काम करेगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि वो डोमेन मेरा नहीं है, तो 9th क्लास में मैंने पढ़ लिया। कोई पर्सन बोलेगा कि केमिकल का फॉर्मूला कैसा है, क्लोरोजेक्शन कैसा काम करता है, क्योंकि वो फॉर्मूला मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल में भी काम कर लिया, बीकॉम ग्रेजुएट होते हुए साइंटिफिक कंपनी को हैंडल किया, जो एक डॉक्टर से ज्यादा मैं साइंस बात किया, लेकिन डॉक्टर से ज्यादा साइंस बात किया डॉक्टर को प्रूव करने के लिए कि मोहन चंद्रा आपसे आपकी बराबर में बात करने आया है, मतलब उसके लिए मेरे को सब्जेक्ट सीखना पड़ा, लेकिन मैं कभी उनको नहीं बोला आपसे नॉलेजफुल मैं हूं आपके फील्ड में, उनसे कभी भी नॉलेजफुल नहीं हूं डॉक्टर्स के फील्ड में, लेकिन मैं जानता हूं उसकी उस पेशेंट का दर्द, जो पेशेंट वो डॉक्टर के पास आता है। यदि मेरे दोस्तों आपको लगता है फार्मास्यूटिकल कंपनी को स्टार्टअप करना है या मोबाइल एक्सेसरी का बिजनेस स्टार्टअप करना है, मोबाइल का रिपेयर का बिजनेस स्टार्टअप करना है,
मोबाइल का रिपेयर का मोबाइल ऐसे चेन रिटेल आउटलेट्स को लिए काम करना है, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो छोटे छोटे आइडिया से अनेक करोड़ों का पैसा कमाना मैं सिखाऊंगा, 100 करोड़, 1000 करोड़, जो भी आपका ड्रीम है, तो ड्रीम तो बड़ा बनना लो मेरे दोस्तों, ड्रीम ही आपका छोटा रहेगा, गरीबों का ड्रीम रहेगा तो मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अमीर बनने की कोशिश करो, कस्टमर कमा के, आपकी नेटवर्क को बढ़ा के, आपका सोच को बढ़ा के। मैं हमेशा काम करता हूँ, मेरी जो स्ट्रेंथ हो आप हो, आपकी नेटवर्क से मैं काम करता हूँ, मैं भी रिच बन जाऊंगा, आप भी रिच। मैं हमेशा रिच बना नेटवर्क में काम करता हूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज जो है सिर्फ यहाँ है, ये नॉलेज आपको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट वाइज है, क्योंकि मैं इन्वेस्ट एक जीते जागते इंसान के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि वो जब रेस्पॉन्ड करने लगेगा तो जिंदगी भर मुझे याद रखेगा। सम्मान से पैसा कमाना सिखा दूंगा, लेकिन आपको कंटिन्यूस एजुकेशन, ये जो सिस्टम मैंने बनाया यूट्यूब में मार्च 1 तारीख से, या आप फेसबुक की मेरी पेज सीएम पावरफुल जो पेज में, मैं कंटिन्यूस एजुकेशन के लिए दोनों में मैं एक एक अलग वीडियोस दे रहा हूँ, दोनों में मैं अलग वीडियोस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो है, कोशिश कर रहा हूँ कि अलग मैं वीडियोस दूँ, और यस मेरा कॉमन पेज है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म में अलग अलग वीडियोस रहेंगे, शायद मैं सामने जाके दो कंटिन्यूस अलग वीडियो अलग सेशंस में बात करूँ, जिसमें एक मैं प्योर बिजनेस एजुकेशन बात करूँ, डिजिटल मार्केटिंग बात करूँ, साइकोलॉजी बात करूँ, जो सिस्टम है, दूसरा मैं बात करूँ अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या। यस मेरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं टॉपिक को प्रिपेयर नहीं करता तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मैं मिक्स करते रहता हूँ, जहां भी पीपल है इंटरचेंज हो जाए, नया वीडियोस, नया कपड़ा नया दिखा तो मोहनचंद्रा का वीडियो नया होगा, क्योंकि हर आपका वीडियो में मैं 2 वीडियो 3 वीडियो बनाऊंगा, इवन ब्लेजर पहनूंगा, दूसरा उसमें ब्लेजर को हटा के मैं वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि आपको क्या है उतना टाइम नहीं फील करते हो, टाइम एक बहुत ऐसी चीज है जो कि अपनी जिंदगी में बच जाती है, यदि आपको टाइम को प्लान करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं बात करूंगा, क्योंकि अनेक ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं लेके आऊंगा जो आपके जीवन में जरूरत है। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं मोहनचंद्रा आपका नेक्स्ट वीडियो में जो मोबाइल एक्सेसरी का, मोबाइल रिपेयर का, रिटेल स्टोर का फ्रेंचाइज मॉडल डिस्कस करने मैं बहुत जल्दी आऊंगा आपके सामने। तो आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू कीजिएगा, अपने दोस्त को भेजिए, अपने रिलेटिव, अपने फादर को दिखाओ, क्योंकि आपका फादर ज्यादा अच्छी से समझ में आएगा। कोई वुमेन एंटरप्रेनर है, जो औरत है जो घर में बैठ के बिजनेस करनी चाहती है, अनेक यंग पीपल है जिसके पास पैसा नहीं है, मोहनचंद्रा को याद करो, आपको कोई पैसा का जरूरत नहीं, 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्टअप्स करवाऊंगा, कोर्स का फीस होगा, कोर्स का फीस जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कोर्स में फैकल्टी रहेंगे अनेक पीपल, क्योंकि मैं सबको पढ़ाने लगूंगा तो मेरा जिंदगी को कौन संभालेगा, मेरे बच्चों को टाइम कौन देगा, मेरे बीच में जो है फिशिंग करने का जो हॉबी उसको कौन मेंटेन करेगा, मेरे को हेलीकॉप्टर चलाने का मन करता है तो उसका हॉबी इसको कौन फुलफिल करेगा, मेरी दुबई में एक विल्ला के ऊपर मैं अपना हेलीपैड बनाना चाहता हूँ उसका कौन करेगा, जो भारत सरकार को मैं हेल्प करना चाहता हूँ एजुकेशन मिनिस्टर की होदा लेके उसको कौन फुलफिल करेगा। मेरी ड्रीम्स जो बड़ी बड़ी है, मैं वो सारे ड्रीम्स आपके सामने मैं फुलफिल करते जाऊंगा, उसी लिए जो ये वीडियोस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक दिन मेरी वीडियो का बायोग्राफी जब बनेगी, क्योंकि मेरा बायोग्राफी बनाने के लिए कोई ना कोई पर्सन ने मेरे को अप्रोच किया था, कंटिन्यूस मेरे से मिलने की कोशिश किया था और मेरे को अपॉर्चुनिटी भी दिया था कि मेरे बचपन से जीवन की बायोग्राफी के ऊपर काम करो सर। मेरी बायोग्राफी इतनी बड़ी है क्योंकि दिन के 22 घंटा मेरा जीवन जाग के रहता हूँ और 22 साल हो चुका है वो जाग के कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरी बायोग्राफी में जहाँ कमी कहाँ है, एक औरत जो है दिन में 16,000 बात करती है, एक आदमी जो है 15,000 बात करता है, मेरे पास बातों का भंडार है क्योंकि सर में जितना भी है मैं डाउनलोड करते रहता हूँ, क्योंकि रीलोड करना क्या 6 घंटे का काम बाकी है। दिन में जो मैं 6 घंटा नया चीजें पढ़ता हूँ तो मेरे को डाउनलोड करने के लिए ये मेरा माध्यम मैंने बना दिया, जो आपका अंदर में डाउनलोड कर रहा हूँ। तो मैं अनेक मोहनचंद्रा पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसा कमाना बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस को बिल्टअप करना होगा। यदि प्रोसेस को बिल्टअप करोगे, जो प्रोडक्ट उसमें डालोगे तो बिक जाएगा, क्योंकि आपको जिस दिन फोन आके बोलेंगे, आपके पास खुद आके बोलेंगे कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, उसमें सम्मान है। वो प्रोडक्ट के साथ आप सर्विस देते हो तो ब्रांड बन जाओगे, प्रोडक्ट अकेला होगा तो होटल बन जाओगे,
प्रोडक्ट अकेला होगा तो दुकान बन जाओगे, प्रोडक्ट के सब सिर्फ सर्विस बेचोगे तो प्रोस्टिट्यूशन के जैसी लगेगा, जब प्रोडक्ट और सर्विस को कंबाइन करके बेचते हो तो 5 स्टार बन जाओगे, वो है आपका ब्रांड। तो ब्रांड बिल्डिंग इज मोस्ट इजिएस्ट थिंग। अगेन रिलायंस धीरूभाई अंबानी की फैमिली ही नहीं, आप भी एक फैमिली बनके कर सकते हो, क्योंकि किसी के पास जब कंटिन्यूस नॉलेज और एटीट्यूड बन जाता है कि मेरे को सीखना नहीं, मेरे मैं ज्ञानी हूं, मैं दिन भर बक सकता हूं, तो बकने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों, उसको आपको नॉलेज से बताना होगा। सामने पर्सन को जो चाहिए वो है कंज्यूमर, जो चाहता है उसको देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों मेरे को राइस मिल कैसा चलाना नहीं आता, लेकिन उसमें जो राइस प्रोडक्शन है प्रोड्यूस होने तक मेरे को दे दो, उसको ब्रांड कैसा करना है, घर घर में राइस कैसा पहुंचाना है मैं बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, उसकी प्राइस कौन सा शहर में कितना होगी वो भी मैं बता सकता हूँ, कौन सा शहर के लिए कौन खाना खाएगा वो बता सकता हूँ। मैं वो राइस मिल चला नहीं सकता, प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी में मैं सारे सीखा, क्योंकि वो वाइफ का बिजनेस है, वो वाइफ का बिजनेस था, आज जो है मेरे बहन का बिजनेस है, मेरे जीजा का बिजनेस। प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी में आज भी मैंने एक नहीं सीखा, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। तब पर भी मैं एक्सेल में ग्राफिक डिजाइनर से अच्छा ग्राफिक्स करता हूँ। चाहिए तो मेरा फेसबुक की मार्केटिंग यदि देखोगे, या मेरा ट्विटर का मार्केटिंग देखोगे, या इंस्टाग्राम की मार्केटिंग देखोगे, एंटायर ग्राफिक्स मैं बनाता हूँ, एक ग्राफिक डिजाइनर फेल हो जाता है। तो मैं डिजाइनिंग भी कर चुका हूँ, मोबाइल के डिजाइनिंग खुद मैं अपनी फोटोग्राफी को एडिट करके मैं करता हूँ। आप हैरान हो जाओगे, एक्सेल में भी एक डिजाइनर पैदा हो गया, तो मोहन चंद्र, क्योंकि मेरे को सीखने का मन नहीं था, जो सीखने का मन नहीं है मैं कभी सीखता नहीं। जैसे कि मैं स्विमिंग पूल में मैं कूद के स्विमिंग, मेरे को सीखने का मन नहीं करता, मैं पूल में जाके सारे बैठते हैं तो मैं चश्मा लगाता हूँ और एक सेल्फी खींचता हूँ और सेल्फी को मैं फेसबुक में अपलोड करता हूँ। मैं टीवी में देखता नहीं, मैं टीवी को मैं दिखाता हूँ, आपका टाइम को बर्बाद करता रहता हूँ। तो ये मेरी टाइम बर्बाद आपको करना नहीं, ये आपको तो अनेक पीपल जो रिच है या रिच बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो वो पीपल कभी भी पसंद नहीं करेंगे टीवी में को देखना, टीवी में दिखना पसंद करेंगे। मैं बचपन जो मेरी 1989 के समय में मैं चित्रहार में मेरे को दिखाया गया, मेरे फोटोज दिखाया गया, तो अनेक ऐसे प्रोग्राम्स में मेरा फोटोज मेरे को मैगजीन्स में छापा गया। बचपन में जब मैं एक रेलवे का सन होते हुए एक छोटी सी शहर खड़गपुर में होते हुए, तब पर भी मैं टीवियों में गया और मैं ऐसा पर्सन हूँ, मेरे शहर से जो पहला ऐसा पर्सन होगा जो नेशनल लेवल के टीवी चैनलों में मैं दिखते रहता हूँ। तो दोस्तों ऐसा कोई चांस नहीं बची, जबकि मेरा ब्रेन बचपन से सोचा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त जो है मूवी का पोस्टर में फिट करके अपनी फेसबुक में फोटोज लगाता है, जो कि मेरे को मूवी आने का जैसी, लेकिन मैं मूवी में एक्ट भी करूंगा, मूवी में भी एक्ट करूंगा, वो भी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स के साथ, क्योंकि मेरा जो है शायद मैं एक्ट कर नहीं पाऊंगा लेकिन रियल रोल तो कर सकता हूँ मेरे दोस्तों, तो क्योंकि मैं एक्ट करना क्या, पूनम दिलों के साथ जो मूवी के एक्टर है तो उनके साथ मैं टीवियों में बात किया, वो सबना आजमी बोलता हूँ, मेरे को याद नहीं है, मेरे को जिस जिससे मैंने बात किया इतने एक्टर्स है, तो इतने एक्टर्स के बीच में मैं रहा हूँ, तो मेरे को क्या पता, मेरे को याद भी नहीं रह रहा है कि, क्योंकि आपका कंटिन्यूस वीडियोस में मेरे को याद करना जरूरत नहीं मांगता हूँ, क्योंकि आपको मेरे को ट्रस्ट को प्रूव करने का जरूरत नहीं। जब मैं 30 मिनट 25 मिनट 50 मिनट 1 घंटा 4 घंटा 14 घंटा 18 घंटा मेरा हाईएस्ट बिना पानी पिए मैं बात करता हूँ, 9 दिन बिना खाना के आए बिना पानी पिए मैं जी सकता हूँ, आप समझ सकते हो 9 दिन एक आदमी बिना पानी पिए बिना खाना किए, यही एनर्जी के साथ जीना ये मुश्किल नहीं नामुमकिन बोलोगे तो मैं पूछूंगा क्या आपका गला काट के दूसरा गला नहीं लग सकता, गला काट के दूसरा गला नहीं लग सकता, तो एक बार सोचो बॉस, इस देश में नहीं इस जीवन में इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसी के साथ जय हिंद।